हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन 14, जैव अणु। जैव अणु का जो शाब्दिक अर्थ है, जीवों में पाए जाने वाले अणु, जीवों में पाए जाने वाले अणु, जिसमें हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, डीएनए, आरएनए। आज जो टॉपिक हम उठा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट का अगर हम साधारण शब्द में देखें कि किन दो शब्दों से बना है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बो शब्द आया कार्बन के लिए और हाइड्रेट होता है जल। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो शब्द कार्बन के लिए और हाइड्रेट शब्द जो है जल के लिए। यानी अगर मैं कार्बन के साथ जल जोड़ दूं तो वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पुराने समय में जो फार्मूला दिया गया था वो CXH2OY। तो कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से बने, कार्बो शब्द कार्बन के लिए और हाइड्रेट शब्द जल के लिए, यानी कार्बन के जल युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन के जल युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो सामान्य सूत्र आ गया CXH2OY, जहाँ एक्स और वाई बराबर भी हो सकते हैं और एक्स और वाई बराबर नहीं भी हो सकते, कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर हों। तो पुराने समय में कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के जल युक्त यौगिक माना जाता था, हालांकि वर्तमान में ये अवधारणा गलत हो चुकी है, पर फिर भी हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं अपने, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन के, हाइड्रेट मतलब कार्बन के जल युक्त यौगिक, तो सामान्य सूत्र निकला CXH2OY। कुछ एग्जाम्पल देख लें, जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो आप जल का सूत्र देखें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 2:1 है, H 2 है और O 1 है, यानी 2:1 है। अब यहाँ सिर्फ यही देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा, 2:1 H 12 है, O 6 है, यानी 2:1 है। तो इसका मतलब ये CXH2OY को फॉलो कर रहा है, जिसमें C6 और H2O6, यूँ भी लिख सकते हैं अपने, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन करें तो C6 H2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएंगे, O6 हो जाएंगे। तो फार्मूला C6H12O6 बन जाएगा। कुल मिला के आपने सिर्फ यही देखना है कि H12 और O6 हैं तो 2:1 है, तो मतलब जल के अनुपात को वो क्लियर करेगा। अब राइबोज देखें, राइबोज का फार्मूला होता है C5H10O5, C5H10O5, ये राइबोज का सूत्र है C5H10O5। तो यहाँ भी आप सिर्फ H और O को देखें, H और O को, तो H10 हैं, O5 हैं, यानी 2:1 है, तो 2:1 है, तो मतलब इस सूत्र का पालन कर रहा है, तो C5H2O5, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है C5H2O5। अब देखिए हम सुक्रोज को, तो जो सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। अब भी H और O को देखें तो H22 हैं, O11 हैं, यानी 2:1 है, तो 2:1 है, मतलब इस सूत्र का पालन कर रहा है, तो C12H2O11 यूँ लिखा जा सकता है। C12H2 को 11 से गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा, 1 को 11 से गुना करेंगे 11 हो जाएगा, तो सुक्रोज बन गया C12H22O11। तो अब इन सब में देखें तो कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ है, अतः ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बन के जल युक्त यौगिक हैं। तो इन सब में कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बन के जल युक्त यौगिक हैं। अब अपने थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती गई कुछ यौगिक खोजे गए, जैसे एसिटिक अम्ल का सूत्र देखें तो C2 है, एक ये रहा, एक ये रहा, H4 है और O2 है, अगर इसको कंबाइन करें तो C2 है, H3 और एक 4 है और O2 है। तो इनमें H और O का अनुपात देखें तो ये भी 2:1 है, तो इसका मतलब ये भी कार्बन के साथ जल जुड़ा हुआ है।
तो ये भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, परंतु वास्तव में इसमें कार्बोहाइड्रेट जैसा कोई गुण नहीं पाया जाता। तो अगर सूत्र के आधार पर ही हम देखें तो ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, परंतु वास्तव में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जैसा एक भी गुण नहीं है। ऐसे ही राइबोज से एक शर्करा बनती है डीऑक्सीराइबोज, राइबोज से एक शर्करा बनती है डीऑक्सीराइबोज। अब डीऑक्सीराइबोज देखें, अगर अपने डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो राइबोज से बनी है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, तो राइबोज का सूत्र था C5H10O5। डी का मतलब निकला हुआ है यानी कमी है, डी कमी के लिए यूज होता है, ऑक्सी मैंने ऑक्सीजन की, कमी है ऑक्सीजन की राइबोज के अंदर, तो यानी राइबोज में से अगर हम ऑक्सीजन की कमी कर दें तो डीऑक्सीराइबोज बन जाती है। तो राइबोज था C5H10O5, तो हमने ओ की कमी कर देनी है तो O4 कर देना है, तो डीऑक्सीराइबोज का सूत्र बनता है C5H10O4। तो यहाँ देखें तो H और O का अनुपात जो है वो 2:1 नहीं है, यानी ये इस सूत्र का पालन नहीं कर रहा, तो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, परंतु वास्तव में इसमें कार्बोहाइड्रेट के सारे गुण पाए जाते हैं, अतः कार्बोहाइड्रेट को केवल इसी सूत्र से पहचानना उचित नहीं है। अगर कार्बोहाइड्रेट इसी सूत्र से पहचाने जाते तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट होता और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, क्लियर। परंतु वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट की सही परिभाषा क्या है? तो पुराने टाइम में तो ये कह दिया गया कि कार्बन के जल युक्त यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, परंतु ये अवधारणा जो है वो यहाँ आकर गलत हो गई। तो फिर वास्तविक परिभाषा क्या है कार्बोहाइड्रेट की, वो अब देखें हम। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है और सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज और सुक्रोज ये तीनों कार्बोहाइड्रेट है। तो अब इनके स्ट्रक्चर से हम परिभाषा निकाल लेंगे, परिभाषा मैं क्लियर कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट की वास्तविक परिभाषा क्या है। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में लगाने हैं अपने को, 6 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में ग्लूकोज के लगाने हैं, तो ये मैंने 6 कार्बन लगा दिए। फ्रक्टोज में भी सेम 6 कार्बन लगाने हैं। ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है, तो CHO कर दिया CHO, और फ्रक्टोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कीटोन होता है, तो 2 कार्बन पर लगाना है, क्योंकि 1 कार्बन पर कभी भी कीटोन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 1 कार्बन पर मैं कीटोन बनाता, डबल बॉन्ड O लगाता, तो संयोजकता पूरी करने के लिए मेरे को H लगाना पड़ता, तो H लगाते ही वो एल्डिहाइड बन जाता। तो फ्रक्टोज में कीटोन समूह है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, परिभाषा क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले स्ट्रक्चर हमारे को आनी चाहिए। आगे स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ग्लूकोज को पूरा क्लियर करेंगे। तो 6 कार्बन लगाए मैंने सीधी श्रृंखला में, एल्डिहाइड समूह लगाया, फिर हर कार्बन के साथ OH लगाना है, परंतु तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड में लगाना है। तो तीसरे कार्बन का जो OH था वो मैंने लेफ्ट साइड में लगा दिया। अब बंद पूरे कर लेने हैं, H H H H H2, क्योंकि कार्बन 4 बंद बनाता है, तो यहां मैंने 1 H लगा के 4 पूरे किए, यहां भी 1 H लगा के 4 पूरे किए, यहां भी 1 H, यहां भी 1 H और यहां 2 H। अब इस पे चलें अपने, तो हर कार्बन के साथ OH, यहाँ पूरे हो गए हैं कार्बन के बंद, तो तीसरे का OH लेफ्ट में, वही सिस्टम रखना है, तीसरे कार्बन का OH लेफ्ट साइड में लगाना है। अब बंद पूरे करने हैं, 2H 1H 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 2H, तो ये फ्रक्टोज बन गया। अब सुक्रोज की क्रिया अगर मैं जल से करवाता हूँ, तो सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। तो अब देखें हम कार्बोहाइड्रेट की सही परिभाषा क्या है।
तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है और सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है। तो अब कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से देखें। पहली चीज़, कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड समूह होता है और या फिर कीटोन समूह होता है, या तो एल्डिहाइड समूह होता है और या कीटोन समूह होता है, और बहुत सारे OH लगे होते हैं। ये विशेषता है कार्बोहाइड्रेट की कि या तो उसमें एल्डिहाइड समूह होगा या कीटोन समूह होगा और बहुत सारे OH लगे होंगे। यानी अब डेफिनेशन क्या बनेगी, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो एसिटिक अम्ल में ऐसी कोई विशेषता नहीं है, अतः एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, और या फिर वे यौगिक होते हैं, अब सुक्रोज पे चल रहे हैं, या फिर वे यौगिक होते हैं जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ग्लूकोज क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों प्राप्त होते हैं। फ्रक्टोज क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ग्लूकोज क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो अब वापस क्लियर कर लें डेफिनेशन, अब फिर देख रहा हूं, बोल रहा हूं मैं, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज व फ्रक्टोज देता है, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देता है। अब फिर देखें, कार्बोहाइड्रेट स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, और या फिर वे यौगिक होते हैं जिनके जल बटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों प्राप्त होते हैं। तो उदाहरण, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, और सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है क्योंकि सुक्रोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज व फ्रक्टोज देता है जो कि क्रमशः पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की वास्तविक परिभाषा है कि ये स्वयं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या इनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा दोनों प्राप्त होते हैं। क्लियर? तो ये कार्बोहाइड्रेट परिभाषा। अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखें, तो ग्लूकोज जो है वो मोनोसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक, जो अकेले ही हैं, इनका जल बटन नहीं होता, जैसे ग्लूकोज का आगे जल बटन नहीं होता, जैसे हमने सुक्रोज का जल बटन किया है ना, तो ऐसे ग्लूकोज का जल बटन नहीं होता, फ्रक्टोज का जल बटन भी नहीं होता। तो ये दोनों मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट हैं जो 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड देते हैं, जैसे सुक्रोज ने 2 मोनोसैकेराइड दिए हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो सुक्रोज एक ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में भी ये कितनी मोनोसैकेराइड दे रहा है, 2, तो ये डाईसैकेराइड है। जो 3 मोनोसैकेराइड देगा वो ट्राईसैकेराइड होगा, और जो 4 मोनोसैकेराइड देगा वो टेट्रासैकेराइड होगा। तो सुक्रोज एक डाईसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो 10 या इससे ज़्यादा इकाइयाँ देते हैं, स्टार्च व सेलुलोज पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, स्टार्च व सेलुलोज पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। तो जल बटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो जिनका जल बटन नहीं होता, ओलिगो जो जल बटित होकर 2 से 9 तक इकाइयाँ देते हैं, और पॉली जो 10 या 10 से ज़्यादा इकाइयाँ देते हैं। अब भौतिक गुणों के आधार पर अगर हम इन्हें बांटें, तो जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुल जाते हैं वो होते हैं शर्करा। जो क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुल जाते हैं वो शर्करा, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में फीके होते हैं, बिल्कुल जैसे आलू है, चावल है, स्वाद में फीका होता है बिल्कुल, वो अशर्करा का एग्जाम्पल है, स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज।
तो शर्करा जो स्वाद में मीठा है, जल में घुलनशील है और क्रिस्टलीय है। ए शर्करा जो स्वाद में फीका है, जल में अघुलनशील है और अक्रिस्टलीय है। ए शर्करा जो है वो पॉलीसैकेराइड है और शर्करा जो है वो ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड दोनों शर्कराएं हैं और पॉलीसैकेराइड अशर्करा है। तो ये वर्गीकरण है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का। अब देखें आगे हम ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना, तो ग्लूकोज की संरचना के बारे में हम बात करें तो हम इसमें अचक्रिय और चक्रिय दोनों संरचनाएं बनाएंगे। अब कैसे अचक्रिय और चक्रिय संरचना? अचक्रिय की बात मैंने पहले भी करी कि ग्लूकोज का जो सूत्र है C6H12O6। तो छः कार्बन हमें बिल्कुल सीधी श्रृंखला में लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो छः कार्बन मैंने बिल्कुल सीधी श्रृंखला में लगा दिए। क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, तो CHO एल्डिहाइड समूह लगा दिया इसमें। फिर हर कार्बन के साथ OH लगा है, तीसरे कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट साइड में लगा है। अब बंद पूरे करने हैं, कार्बन चार बंद बनाते हैं तो इस कार्बन ने तीन बनाए हैं तो चौथा एच लगा दिया, इसने भी तीन बनाए हैं तो चौथा एच लगा दिया, इसका भी चौथा बॉन्ड एच से, इसका भी चौथा बॉन्ड एच से और इसके साथ हमने दो एच लगा दिए। तो ये बन गई हमारे पास डी ग्लूकोज की संरचना, ये बन गया डी ग्लूकोज। और अचक्रिय संरचना है ये, अभी इसमें कोई वल्लय नहीं है। अब हम तैयार करेंगे इसकी चक्रीय संरचना। ये अचक्रिय संरचना है, ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे तैयार करनी है वो देखें आप। तो छह कार्बन थे, तो छह कार्बन लगा लिए मैंने। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते टाइम जो ये डबल बॉन्ड है ऊपर वाला, इसको सिंगल कर देना है। तो इस डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल कर दिया, तो ये डबल बॉन्ड था सी और ओ के बीच जो मैंने सिंगल कर दिया, तो एक बॉन्ड सी का फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड ओ का फ्री हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेकेंड लास्ट कार्बन था, ये वाला सेकेंड लास्ट कार्बन यानी पाँचवा कार्बन, इसके साथ जो ओ एच लगा है उसमें से हमने एच निकाल लेना है। ये हमने एच निकाल लिया, क्लियर। एक तो पहले कार्बन पर परिवर्तन करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, फिर सेकंड लास्ट कार्बन के OH का एच निकाल लेना है। कुल मिला के एल्डिहाइड की क्रिया हमने अल्कोहल से करवानी है और एल्डिहाइड जब अल्कोहल से क्रिया करता है तो हेमी एसीटेल का निर्माण होता है। तो यानी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना का निर्माण हेमी एसीटेल बनने के कारण होता है। एल्डिहाइड की क्रिया अल्कोहल से करवानी है। एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड को सिंगल किया, सेकंड लास्ट कार्बन जो था उसके OH से H निकाल लिया। अब H निकालने के बाद उस H को हमने ऊपर वाले O से जोड़ दिया, ये जो H है हम इसका लाए हैं ऊपर वाले O से जोड़ दिया। अब C का और O का बॉन्ड फ्री हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो इस तरह ग्लूकोज की संरचना में एक वल्लय बन जाती है, ये वल्लय बन गई है, बाकी जैसा था वैसा अरेंज कर देना है, जो जहां था वहां अरेंज कर देना है। तो ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की प्राप्ति होती है हमारे पास, क्लियर। क्या मेथड लगाया, डबल बॉन्ड को सिंगल किया, सेकंड लास्ट कार्बन के OH से H निकाला, ऊपर वाले O के साथ जोड़ दिया, C और O को आपस में जोड़ दिया। तो अब जो वल्लय बनी है, ये वल्लय हमारे पास बनी है, ये वल्लय बनी है, इस वल्लय को कंसीडर करें तो इसमें पांच कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, पांच कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। और रसायन विज्ञान में हम एक यौगिक पढ़ते हैं पाइरेन, ये पाइरेन की संरचना है। तो पाइरेन की संरचना में भी पांच कार्बन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, अतः ग्लूकोज की संरचना में भी पांच कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, अतः ग्लूकोज में जो वल्लय होती है वो पाइरेन वल्लय होती है। और क्योंकि शर्कराओं के लास्ट में ओज लगता है अतः ग्लूकोज को हम पाइरेनोज भी बोलते हैं, पाइरेनोज, पाइरेनोज वल्लय इसमें है। पाइरेन के लास्ट में हमने ओज लगाया है क्योंकि शर्कराओं का अनुलग्न ओज है, अतः ग्लूकोज में जो वल्लय है वो पाइरेनोज वल्लय है।
ये जो चक्रीय संरचना बनी है ये अल्फा ग्लूकोज है। अब इसी से हम बीटा ग्लूकोज भी बनाएंगे। अब अल्फा और बीटा में क्या फर्क होता है वो देख लें आप। जहां एल्डिहाइड समूह था, ये वाला एल्डिहाइड समूह था, इसके ओ से हमने एच जोड़ा तो ओएच बना, ये ओएच, ये ओएच जहां पहले एल्डिहाइड था वो ओएच अगर दाईं ओर है, वो ओएच अगर दाईं ओर है हमारे राइट साइड है तो वो अल्फा होता है, और इस ओएच को, सिर्फ इसी ओएच को अगर हम बाईं ओर कर दें तो बीटा बन जाएगा। यानी अगर मैं बीटा बनाना चाहता हूं तो बस इतना ही परिवर्तन करूंगा, इस ओएच को बाईं ओर कर दूंगा, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं करना है हमने, जो जहां है वहीं रहना है, सिर्फ एक परिवर्तन हमने करना है, जो एल्डिहाइड वाला समूह का ओएच बना था वो हमने लेफ्ट साइड में कर देना है, तो बीटा फॉर्म तैयार हो जाती है। अब ये जो ओ है ये पूरा बॉन्ड है एक सी और ओ के बीच, इस ओ को हम कहीं मर्जी शो करते हैं, जैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ कर दिया है, क्लियर। ये बन गए ग्लूकोज के फिशर प्रक्षेप सूत्र, चक्रीय संरचना का फिशर प्रक्षेप सूत्र तैयार हो गया। ये हमारे पास चक्रीय संरचना का फिशर प्रक्षेप। अब हमने बनाना है हावर्त सूत्र, ग्लूकोज की संरचना का हावर्त सूत्र हमने तैयार करना है, हावर्त संरचना बनानी है। अब हमने हावर्त प्रोजेक्शन फार्मूला, हावर्त प्रक्षेप सूत्र, वो कैसे बनाएंगे। ग्लूकोज में वल्ले जो हमने देखी उसमें पांच कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, वापिस देख लें, ये वल्ले है हमारे पास, ये वल्ले है, तो इसमें कार्बन देख लें, एक दो तीन चार पाँच कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो ग्लूकोज की वल्ले में पांच कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये मैंने वल्ले बना दी, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और एक ऑक्सीजन है। बस इतना ही ध्यान रखना है, फिशर प्रक्षेप में जो बॉन्ड लगे हैं वो राइट लेफ्ट के हिसाब से लगे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, और हावर्थ में जो बॉन्ड लगते हैं वो ऊपर नीचे लगते हैं, जैसे इस कार्बन के जो दो बॉन्ड होंगे वो अप डाउन लगेंगे, इसके भी ऊपर नीचे, इसके भी ऊपर नीचे, इसके भी, इसके भी, दो तो इसने बना ही रखे हैं, एक ये, अब एक बॉन्ड इसका ऊपर एक नीचे। फिशर प्रक्षेप में लेफ्ट राइट चलता है, हावर्त सूत्र में अप डाउन चलता है, बस इतना ही फर्क है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सामान्यतः जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो लेफ्ट राइट ही बोला जाता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दुनिया में कोई भी अपवाद नहीं होगा जो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलता हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ही बोला जाता है, और अप डाउन ही बोला जाता है, कोई भी डाउन अप नहीं बोलता होगा, दोनों का ही कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, बोलते टाइम लेफ्ट राइट अप डाउन ही बोला जाता है। यानी कुल मिला के जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप थे वो अप कर देने हैं और जो राइट साइड वाले ग्रुप थे वो डाउन कर देने हैं, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अब अल्फा ग्लूकोज मैं बना रहा हूं पहले, तो लेफ्ट वाला अप करना है, राइट वाला डाउन करना है। अब देखें लेफ्ट साइड में क्या था, एच अप करना है, राइट वाला डाउन करना है, लेफ्ट वाला अप करना है, राइट वाला डाउन करना है, लेफ्ट वाला अप करना है, राइट वाला डाउन करना है, लेफ्ट वाला अप करना है, राइट वाला डाउन करना है, और जब आप वल्ले के लास्ट कार्बन पर पहुंचेंगे तो उसका राइट साइड जो है वहां बॉन्ड है जो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसमें हमेशा बड़ा समूह ऊपर करना है और छोटा समूह नीचे करना है। तो ये अल्फा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना हावर्त प्रक्षेप सूत्र हमारे पास बनता है, क्लियर। लेफ्ट वाला अप, राइट वाला डाउन, और लास्ट में बड़ा ऊपर छोटा नीचे, हमेशा यही मेथड रहेगा, और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। अब बीटा ग्लूकोज, बीटा में भी सेम वही, वल्ले में छः सदस्य हैं जिसमें पांच कार्बन हैं और एक ऑक्सीजन है, वही लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेफ्ट वाली साइड अप करनी है, राइट वाली साइड डाउन करनी है, तो लेफ्ट वाली साइड अप, राइट वाली साइड डाउन, फिर आए तो लेफ्ट वाली साइड अप, राइट वाली साइड डाउन, फिर आगे चलें तो लेफ्ट वाला अप, राइट वाला डाउन, फिर आगे चलें तो लेफ्ट वाला अप, एच अप,
OH डाउन और यहाँ आकर बड़ा ग्रुप ऊपर छोटा ग्रुप नीचे, तो ये बन गया बीटा ग्लूकोज का हावर्त प्रक्षेप सूत्र। इन दोनों को हम बोलते हैं एनोमर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ग्लूकोज की संरचना और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य परिचय डिस्कस किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सकें। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।